नमस्कार दोस्तों, मैं सलमान तगेर में आप सबको वेलकम करते हैं। आज का वीडियो में हम सीखेंगे 5.56 mm इंसास राइफल का चाल। इंसास राइफल का चाल दो भाग हर एक्शन में पूरी होती है। पीछे की चाल अनलॉक, एक्सट्रैक्ट, कॉक, इजेक्ट। आगे की चाल पिट, लोड, लॉक, फायर। वीडियो को अच्छा लगा था लाइक शेयर और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अनलॉक। जब प्रायर सेफ्टी लीवर को एस से आर या बी करके ट्रिगर दबाता है तो हैमर आजाद होकर फायरिंग पिन पर शॉट मारता है। फायरिंग पिन अपने बूश होल से निकल कर सेम्बर वाले रावण के पेंडे पे शॉट मारती है, जिसे फायर होता है। फायर होने के बाद गैस पैदा होते हैं। पैदा हुए गैस बुलेट को आगे मुनासिब दूरी तक ले जाने में मदद करता है। कुछ गैस गैस बैन के रास्ते से गुजरता है और गैस सिलेंडर में दाखिल हो जाता है। सिलेंडर में दाखिल हुए गैस पिस्टन हेड पे दबाव डालता है, जिससे पिस्टन एक्सटेंशन पीछे की हरकत करता है। इस हरकत के दौरान रोटेटिंग बोल्ट दाहिने से बाएं इतना घूमता है कि बैरल लॉकिंग लॉक से अलग हो जाता है। इसे अनलॉक की कार्रवाई कहते हैं। एक्सट्रैक्ट। अनलॉक होने के बाद रोटेटिंग बोल्ट का एक्सट्रैक्टर काले केस को अपनी मुंह से पकड़ के पीछे खींच के लाता है, जिसे हम एक्सट्रैक्ट की कार्रवाई कहते हैं। कॉक। पिस्टन एक्सटेंशन का पीछे की हरकत जारी रहती है। इस हरकत के दौरान पिस्टन एक्सटेंशन का स्टेम शुरू शुरू में हैमर के ऊपर से गुजरता है और हैमर को थोड़ा दबाते हैं। बाद में पिस्टन एक्सटेंशन का बॉटम सरफेस हैमर को पूरा नीचे दबा देता है, जिससे सेफ्टी शियर का नोज हैमर का कटाव में पास या जोर जाता है और इजेक। पीछे की हरकत के दौरान खाली केस एजेक्टर से टकरा के एजेक्शन स्लॉट के रास्ते दाहिने ओर नीचे गिर जाता है। इसे हम इजेक की कार्रवाई कहते हैं। रिकॉल स्प्रिंग अपने पीछे सिकुड़ जाता है और गाइड ओपर लिप हो जाता है। जब रिकॉल स्प्रिंग अपने तनाव को पूरा करने के लिए पिस्टन एक्सटेंशन को आगे धकेलता है, इस हरकत के दौरान रोटेटिंग बोल का पिट पीस मैगजीन के ऊपर वाले रावण को सेम्बर में दाखिल देता है। इस कार्रवाई को पीट की कार्रवाई कहते हैं। लोट। जब रावण पूरी तरफ सेम्बर में बैठ जाता है तो एक्सट्रैक्टर रावण के पेंडी पर
सवर हो जाता है। इस समय रोटेटिंग बॉल का आगे की हरकत समाप्त हो जाती है। पिस्टन एक्सटेंशन का कुछ हरकत बाकी रह जाती है। इसे हम लोड की कार्रवाई कहते हैं। लॉक, जब पिस्टन एक्सटेंशन आखिरी हरकत की पूरा करता है तो रोटेटिंग बोल्ट बाएं से दाहिने इतना घूमता है कि बैरल एक्सटेंशन लॉकिंग लॉक में फंस या जोड़ जाता है। इस कार्रवाई को हम लॉक की कार्रवाई कहते हैं। पायर, लॉक होने के बाद पिस्टन एक्सटेंशन की कुछ हरकत बाकी रह जाती है। इस हरकत के दौरान पिस्टन एक्सटेंशन का दाहिना पिछला निचला पहलू नाम एसोटिंग बैंड सेफ्टी शियर को नीचे दबाता है, जिससे सेफ्टी शियर का नोस हैमर के कटाव से अलग हो जाता है। इस कार्रवाई को हम पायर की कार्रवाई कहते हैं।